हेलो इंडिया, मुख्तलिफ गुड लाइन्स रेसिपीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कम से कम सामान के साथ में 10 से 15 मिनट में कोई मिठाई बनाने की सोच रहे हैं तो इस मिठाई को आप ट्राई करके देखिएगा। और टेस्टी डिलीशियस से दिखने वाली इस मिठाई का नाम है इंस्टेंट मलाई लड्डू। नॉर्मली जो असली मलाई लड्डू होता है उसको पकाने में हमें घंटों समय लगता है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो बिना घंटों लगाए झटपट आप इस मिठाई को घर पर बना सकते हैं और साथ ही ये मिठाई बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन के बाद आता है ऑल का नोटिफिकेशन, उसे भी ऑन कर लीजिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बड़े मिक्सिंग बाउल में मैंने एक कप मिल्क पाउडर लिया है। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर में बड़े बड़े लम्स हों तो आप इसे मिक्सी में चला लीजिए, इससे ये पाउडर जैसे हो जाएगा और आपको इसे मेल्ट करने में या घोलने में आसानी होगी। तो सबसे पहले इन लम्स को मैं चम्मच की सहायता से थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी एक कप दूध और उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाऊँगी। हमें इसका पेस्ट बनाना है इसलिए दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालेंगे। ये नॉर्मल ठंडा दूध है, आप चाहें तो इसको मिक्सी में चला सकते हैं। दूध डालकर आप इसको दूध पाउडर को मिक्सी में डाल दीजिए और चला लीजिए, इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी, वरना आप इसको ऐसे भी चम्मच की सहायता से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े लम्स है, उसको मैं चम्मच की सहायता से दबाते जा रही हूँ क्योंकि लम्स फ्रीज का हमें एक पेस्ट बनाना है। अब इसमें मैं एक कप चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा कम चीनी भी डाल सकते हैं अगर मीठा कम पसंद है तो, पर एक कप से ज़्यादा चीनी नहीं लगेगा, एक कप से थोड़ा कम भी आप डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद हम साथ में इसको घोलेंगे जिससे कि जो लम्स हैं वो भी हट जाएंगे और चीनी भी आपस में घुल जाएगी। और आप और जल्दी काम करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आधा कप दूध हमने बचा लिया है और आधा कप दूध में ही इसका पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है और जितने भी लम्स थे उसको हमने हटा दिया है और एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ और एक पैन लेंगे। पैन जो होगा या तो नॉन स्टिक लीजिए या फिर मोटे तले का लीजिए और इस पेस्ट को उसमें डाल दीजिए और जो बाकी बचा दूध है ना उसको भी इसमें मिला देंगे। और अब गैस को ऑन करेंगे और सबसे पहले आँच को हम लो टू मीडियम में रखेंगे और चलाते जाएंगे। एक बार जब गैस ऑन कर देते हैं तो बहुत जल्दी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। बस हम इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और उसे मैंने कर लिया है ग्रेट। इससे पहले हम इसमें एक टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी को डालने के बाद एक बार चम्मच अच्छे से इसको मिला देते हैं इसमें। तो ये है 200 ग्राम पनीर जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से इसको मसल भी सकते हैं या फिर मिक्सी में चला भी सकते हैं, किसी भी तरीके से करिए, आसानी से ये ग्रेट हो जाता है। अब देख सकते हैं आप ये थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में हम इसमें पनीर को मिला देंगे। आप जब इसमें पनीर मिलाएं तो आप चाहें तो गैस को ऑफ कर सकते हैं या गैस को एकदम लो कर दीजिए, धीमा कर दीजिए। उसके बाद आप इसको इसमें अच्छे से मिला दीजिए जिससे कि मिश्रण बहुत जल्दी सूखे नहीं, क्योंकि एक बार जब गैस ऑन हो जाता है तो बहुत जल्दी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। जब एक बार पनीर को हम अच्छे से इसमें मिला देंगे तो गैस को फिर से ऑन कर लेंगे और गैस को फिर से हमें लो टू मीडियम में ही रखना है। अब यहाँ पर मैं इलायची का पाउडर इसमें डाल लूंगी या इलायची के दानों को क्रश करके इसमें डाल दीजिए। आप खुशबू के लिए इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, कोकोनट वाटर डाल सकते हैं या फिर आप इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब पनीर को इसमें हमने मिला दिया है। अब पनीर मिलाने के बाद हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है, जब तक कि मिश्रण पैन के तले को छोड़ ना दे और खट्टा सा ना होने लगे। तो लगातार इसे चलाते जाएंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और आप देख सकते हैं मैं चम्मच से चलाते जा रही हूँ। अब ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है तो यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी मिला रही हूँ। आप इसके जगह पर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन ये टूटी फ्रूटी का जो टेस्ट है ना इसमें बहुत अच्छा आता है, एक क्रंच सा मुँह में लगता है जब इस लड्डू को हम ट्राई करते हैं खाते हैं। तो अभी आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसके बदले कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें मिला सकते हैं। अब ये मिश्रण पैन की तरह से लग भी नहीं रहा है और खट्टा होना शुरू हो चुका है। इसे पकाने के लिए हमें कम से कम 10 मिनट ही लगे हैं और 10 मिनट में ये रेडी हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे आंच से हम उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा ठंडा हो चुका है जितना कि हम इसे हाथ से छू सकें और थोड़ा सा और ड्राई हो चुका है। अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। तो बढ़िया से हाथ में थोड़ा सा मिश्रण लेके गोल गोल लड्डू बना लीजिए और एक प्लेट में रखते जाइए। तो देखिए बन गया 10 मिनट के अंदर में ही इंस्टेंट मलाई लड्डू। देखने में भी डिलीशियस लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे फ्रिज में 1 या 2 घंटे के लिए रख दीजिए, जिससे अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और इसमें मार्केट वाला जो टेस्ट होता है ना मिठाई में वो भी आने लगेगा। यानी कि फ्रिज में रखने के बाद ये और टेस्टी लगेगा, तो इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। इस मिठाई को आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। 3 से 4 दिन तक ये खराब नहीं होता है। आप इसके लिए राखी के लिए बना सकते हैं, अगर कोई व्रत रखते हैं ना तो व्रत के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिलाया है जो हम व्रत में ना खा सके। दूध से बनाया है, पनीर से बनाया है, मिल्क पाउडर भी लिया है, ये सब दूध से ही बनता है। तो आप आसानी से इसे व्रत में भी बना सकते हैं, कोई त्यौहार के लिए बना सकते हैं। आप 10 से 15 मिनट में कोई मिठाई बनकर रेडी हो जाता है, वो भी इतना टेस्टी सा, और हमें क्या चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया होगा ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की और भी बड़ी बड़ी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर है। लड्डू की रेसिपी है, पेड़े की रेसिपी है, आप देख सकते हैं और उनसे सीख भी सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगी इसी प्रकार की और भी बड़ी बड़ी रेसिपी के साथ बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।